अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना है, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया है। इसी बीच राम मंदिर की डिजाइन को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि राम मंदिर कैसा बनेगा। दरअसल 1989 में ही राम मंदिर के लिए डिजाइन तैयार की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने में एक ट्रस्ट का गठन करने का आदेश दिया है। यही ट्रस्ट मंदिर के निर्माण का काम देखेगा। इस ट्रस्ट में रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा दोनों शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने राम मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दी है। 128 फीट ऊंचा होगा मंदिर। शर्मा के मुताबिक प्रस्तावित मंदिर 265 फीट लंबा, 140 फीट चौड़ा और 128 फीट ऊंचा होगा। मंदिर की दीवारें 6 फीट मोटी पत्थर से बनाई जाएगी। वहीं चौखट को सफेद संगमरमर से बनाया जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने का काम जारी है। अब तक इतनी तैयारी हो चुकी है कि काम शुरू होते ही मंदिर की पहली मंजिल का निर्माण बिना रुके पूरा हो जाएगा। मंदिर का मॉडल 1989 में अहमदाबाद के आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने तैयार किया था। मंदिर निर्माण के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से जुटे कारीगरों ने अब तक करीब 1 लाख घन फुट पत्थर तराश दिया है। वास्तु के लिहाज से देखा जाए तो मंदिर के आग्नेय कोण में हनुमान जी भी विराजित होंगे, जबकि पीछे सरयू नदी प्रवाहित होगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके राम मंदिर के पक्ष में आए इस फैसले पर क्या विचार है।